हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीस किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग सैफरन यानी कि केसर सोप बनाएंगे। ये सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइट एंड ब्राइटन और वाइटन बनाएगी, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगी। ये आपके पोर्स को डीप क्लेंस कर आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की समस्या को भी दूर करेगी और साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी बनाएगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो आइए इस अमेजिंग सोप को बनाना शुरू करते हैं। स्किन वाइटनिंग सैफरन यानी कि केसर सोप बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लीन बोल में ये 8-10 केसर के धागे ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये 1 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल ऐड करेंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह रखा छोड़ देंगे ताकि केसर की सारी गुडनेस गुलाब जल में अच्छे से आ जाए। तो ये लगभग 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि गुलाब जल में केसर का कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और साथ ही केसर की सारी गुडनेस गुलाब जल में अच्छे से आ गई है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स ट्रीटी एसेंशियल ऑयल की ऐड कर देंगे। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा केसर का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो ये मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप बेस ईजिली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी सोप बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोड लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यहाँ सोप बेस को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि हमें इसे डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें केसर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह ध्यान रखें कि मिक्सचर डालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यह इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो यह मैंने मिक्सचर को सोप मोड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 1 घंटे बाद मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप कितनी इजीली बाहर निकल आई है और कितनी स्मूथ बनी है। ये सैफरन सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइट एंड ब्राइटन और वाइटन बनाएगी, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और यहाँ तक कि पिगमेंटेशन को रिमूव कर आपकी स्किन टोन को भी इवन बनाएगी। ये आपके पोर्स को डीप क्लेंस करेगी और साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी बनाएगी। तो आप भी इस अमेजिंग सोप को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।